आप सभी लोगों को मेरी ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बस यूं ही मैं सुबह बैठा था और मुझे एकदम से ये ख्याल आया कि क्यों नहीं कुछ होली पे कुछ करते हैं, होली पे कुछ बात करते हैं, क्योंकि मैं ये चीज़ फील कर रहा हूँ कि अब वो होली जो उल्लास वाली होती थी, जो हुड़दंग वाली होती थी, अब वो बहुत फीकी सी पड़ गई है। मैं इसी पे ही कुछ लाइनें लिखी हैं, एक छोटी सी कविता लिखी है। अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छी नहीं लगेगी तो भी लाइक कर दीजिएगा। तो ये कुछ इस तरह की सी है। छोड़ दिया कल्चर को तो गैप ही रह जाएगा, प्ले स्टोर पर होली का बस ऐप ही रह जाएगा। तो होली को हम लोग धरातल पे लाते हैं। होली कब आएगी ये इंतज़ार रहता था, होली कब आएगी सांभा गब्बर भी कहता था। होली की तैयारी हम हफ्तों से करते थे, कहाँ से रंग कहाँ पिचकारी किसके घर जाना है, क्योंकि पूरी प्लानिंग होती थी कि किस तरीके से हम होली सेलिब्रेट करेंगे। होली के दिन मानो इम्तहान होता था, होली वॉज अ टेस्ट एग्ज़ाम की हमें इस तरीके से होली को प्लान करना है। होली का दिन मानो इम्तहान होता था, सुबह अंधेरे में उठकर हम तैयारी करते थे, रंग भर से भीगे चुनर वाली पर हुड़दंग मचाते थे, हफ्तों पहले होली के हम गाने भरवाते थे। वो कैसेट याद आती होगी आपको, कैसेट में हम लोग गाने की डबिंग कराते थे। पैसे कम थे जेबों में, पर जोश बहुत ज़्यादा था, सब रंगों में रंग कर हम एक पैसे कम थे जेबों में पर जोश बहुत ज़्यादा था सब रंगों में रंग कर हम एक हो जाएं यही वादा था। नया नहीं है नशा उस समय भी फैशन था, रात को घर लौटने का। जब कई लोग जैसा थोड़ा ओवर हो जाते थे तो वो बहुत लेट रात घर आते थे, तो रात को घर लौटने का एक सॉलिड रीज़न था। आज भी देखो नशा सभी के सर पर छाया है। आज अलग किस्म का नशा है, एक अलग तरीके का नशा हो गया है। आज भी देखो नशा सभी के सर पर छाया है, दिलों में गर्मी कम है लेकिन माया ही माया है। तो ये पूरा नशा जो माया का छाया हुआ है। होली का त्यौहार भी देखो कितना ये फीका है, होली का त्यौहार ये देखो कितना फीका है, क्या जानेंगे बच्चे अपने ऐसी होली होती है, क्या जानेंगे बच्चे अपने कैसी होली होती है, दिल पर हाथ रखो और बोलो ऐसी होली होती है। आज का माहौल देखिए कितना फीका है, मार्केट बिल्कुल सुनसान रहते हैं, कोई जोश नहीं रहता है, उस होली का कोई वो नहीं रहता, क्योंकि सभी अपने अपने चीज़ों में बिजी हैं। घर पर पापड़ गुजिया खूब बनाया जाता था, हमको भी हाथ बटाने में बहुत मज़ा आता था। वो पापड़ बनाने की जो टेक्निक थी बहुत से लोग जानते होंगे, हम लोग उन पापड़ों को एक एक करके धूप में सुखाया करते थे। वो शायद थोड़े दिन में कोई और चाइना या अमेरिका उसको पेटेंट करा लेगा। हमको भी हाथ बटाने में बहुत मज़ा आता था, महंगे कपड़े काजू कतली से त्यौहार नहीं होता, आपस में अगर प्रेम नहीं है तो परिवार नहीं होता। चलो फिर से उतर जाएं हम होली के इस रण में, सभी दूरियां खत्म करें गुलाबी लाल और तूली रंग से। छोड़ दिया कल्चर तो फिर गैप ही रह जाएगा, प्ले स्टोर पर होली का बस ऐप ही रह जाएगा। धन्यवाद, सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब ढेर सारी खुशियां, खूब ढेर रंग आपकी ज़िंदगी में आए, यही दुआ कामना करता हूं मैं। नमस्कार, धन्यवाद।